तुम्हें असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करवा सकते। इट्स ओके सर, मुझे चाहिए भी नहीं। नहीं, पूरी बात तो सुन लो। सॉरी सर, बोलिए। मैं सोच रहा था जिन अगर तुम्हारी असिस्टेंट बन जाएगी तो अच्छा होगा ना? नहीं नहीं सर, उन्हें क्यों आप तकलीफ देंगे, मुझे असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। तुम जिन को बोल दोगी वो कल से शूटिंग प्लेस पे आ जाएगी। ओके सर। थैंक गॉड, ये लड़की कुछ समझ नहीं पाई। फिर वी शूटिंग खत्म करके मैं जिन से मिलने के लिए जाती है। वी, तुम यहाँ? कुछ काम था? नहीं, वो मिस जिन नामजून सर ने बोले आप कल से शूटिंग प्लेस पे आ जाना। मैंने उन्हें बहुत रोका पर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। ये नामजून को कुछ समझ नहीं आता है क्या? इतना बड़ा डायरेक्टर है फिर भी इनमें अकल नहीं है। मिस जिन क्या सोच रही है आप? ओके, चली जाऊंगी, तुम आओ बैठो। नहीं, मुझे घर जाना है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, थोड़ी रेस्ट कर लूंगी। ओके बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय। तुम आ गई, कैसा रहा दिन? बहुत ज्यादा बिजी था, मैं थक चुकी हूँ। ओके, तुम पानी पी के रेस्ट करो, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ आज। ओके ओके, लव यू, लव यू टू बेबी। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कल कर लेना, अभी तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट स्वीट ड्रीम। ओके, आ जाओ, खाना तैयार है। क्या तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो? नहीं तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जैसी कपड़े पहनी हो उससे तो यही लगता है। चुप चुप खाना खा लो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। ओके बेबी, सॉरी, आई एम जस्ट चोकिंग। लव यू, लव यू टू। कल रात तुम कुछ कहने वाली थी, बोलो। वो मैं कह रही थी मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हूँ। पर क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना। जंग को गुस्सा हो जाता है और वी की पूरी बात नहीं सुनता है और चढ़ के वहाँ से चला जाता है, और वी भी मिस जेनी के साथ शूटिंग प्लेस पे चली जाती है। वी, कुछ हुआ है क्या? तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ी तबीयत खराब है बस, तो हम शूटिंग कैंसिल कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। क्योंकि वी सैड थी और उसकी शूटिंग में भी सैड सीन था, उस वजह से वी की शूटिंग बहुत अच्छी गई। फिर वी शूटिंग खत्म करके जिमिन के पास जाती है। शुका जी, आ? कौन आया है पुसीकैट? मैं ऐसे ही आया था, मुझे थोड़ा काम था उस वजह से। वी, तू? ओके, तू अंदर आ, सुगा तुम जाओ, हम बाद में बात करते हैं। फिर सुगा चला जाता है। क्या हुआ है, तू सैड क्यों है? मैं आज सुबह जंगकुक से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात की, बट वो गुस्सा होके चला गया। मैं क्या करूं जी? मैं सुन, डोंट बी सैड, उसे थोड़ा टाइम दे, वो खुद समझ लेगा। नहीं तो तू उसके साथ कहीं पे डेट पे चले जा और वहाँ पे उसे बोल दे ये सब बातें अच्छे से क्लियरली। मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके परमानेंट गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, पर वो मेरी बात को सुना ही नहीं और गुस्सा होके चला गया। ओके, तो छोड़ उस बात को, वो समझ जाएगा। जंगकुक पूरी बात को ना सुन के सोच लिया कि वी उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है। जंगकुक, जंगकुक, ओए जंगकुक, क्या हुआ डार्लिंग? ऐसे मुरझाए हुए फूल की तरह क्यों बैठा है? और आज वी भी जिमिन के घर गई थी और वो भी सैड लग रही थी, कुछ हुआ है क्या? क्या सुगा भी मुझसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती है, मैं क्या करूं? हाँ तो क्या हुआ? समझ, इनडायरेक्टली वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है। ओए पागल इंसान, इसका मतलब ब्रेकअप ना होकर परमानेंट भी हो सकता है ना? हाँ ये भी हो सकता है, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तेरे पास दिमाग भी है?
शूटिंग के बाद जिन और नामजून चुपके चुपके बात करते थे, पर वी उन्हें देख लेती है, पर वो कुछ डाउट नहीं करती। नामजून, हमें सबके सामने बोल देना चाहिए हम रिलेशनशिप में हैं। तुम टेंशन मत लो, जब सही टाइम आएगा तब मैं बोल दूंगा, अभी के लिए सीक्रेट रहने दो। ओके। लव यू जिन। लव यू टू नामजून। वी, तुम सो गई हो क्या? नहीं, बोलो। सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे बात को सुना नहीं और तुम्हारे ऊपर गुस्सा होके चला गया। सॉरी बेबी। ओके बेबी, बट मैं ये कहना चाहती थी, मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके परमानेंट गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, क्या तुम बनाओगे? बनने दूंगा, तुम तो परमानेंट हो। लव यू माय क्यूटी पाई। लव यू टू बेबी। तुम भी ना जंगकुक, हर बात नॉटी हो जाते हो। इतनी भी नॉटी होना अच्छी बात नहीं है। तुम तो मेरी हो, तो मैं कुछ भी करूं। ओके, कर लेना, अभी चलो खाना खा लो। फिर दोनों स्माइल करते हुए खाना खाते हैं और सो जाते हैं, पर अभी तक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। लिसा मैम, हमने सुना आप अभी जो मूवी कर रहे हैं, वैसे ही मूवी वी मैम भी कर रही है। आई डोंट नो, ये सब मैं नहीं देखती, मैं सिर्फ अपनी मूवी पे फोकस करती हूँ। फिर वी की एंट्री होती है। मैम, आप और लिसा मैम एक जैसी ही मूवी कर रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और मैं सेम टाइप की मूवी नहीं कर रही हूँ, मैं फुल डिफरेंट मूवी कर रही हूँ। हाँ, आप लोगों को ट्रेलर देख के लगा होगा सेम टाइप की मूवी है, पर जब आप देखने जाएंगे तो डिफरेंट ही पाएंगे। तो लिसा मैम, आप इसमें क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू इडियट। डोंट वरी, आप लोग जब मूवी देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा मूवी कैसी है। फिर लिसा गुस्से में चली जाती है, पर वी सारी क्वेश्चन के बहुत अच्छे से आंसर देती है। मैं भी देख लूंगी वी तो कैसे जीतती है, मैं सुपरस्टार हूँ, हॉलीवुड की मूवी भी कर चुकी हूँ, मैं देखती हूँ तू कैसे इसमें पास होती है। स्टूपिड गर्ल। हाय मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपसे ही सब कुछ सीखा है और आपसे कम्पीट नहीं कर रही थी मैं, बट अब करूँगी, आपको पता तो है ही क्यों करूँगी। ओके, वेलकम टू आवर इंडस्ट्री। फिर मूवी रिलीज हो गई, बट वी के मूवी को कुछ ही लोग देखने के लिए आए। जंगकुक, मेरी मूवी तो चली नहीं, मैं क्या करूँगी अब? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा बेबी, तुम टेंशन मत लो। हाँ वी, तो टेंशन मत लेना, बट नेक्स्ट डे वी के मूवी में लिसा की मूवी से भी ज्यादा लोग आते हैं। फर्स्ट डे उसकी मूवी में लोग नहीं आए थे बिकॉज लिसा और सोविन कुछ लोगों को पैसे देके वी की मूवी को चलने नहीं दिया था। बेबी 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 उठो, देखो देखो देखो। क्या हुआ? देखो क्या, इतने लोग, बेबी मेरी मूवी चलने लगी। मेरी मूवी चलने लगी। तो मुझे मेरा प्राइस दो। मतलब? लिसा और सोविन लोगों को पैसे देकर ये सब कर रहे थे, और तुम्हारे बॉयफ्रेंड क्या किसी से कम है? तो मैंने भी उन लोगों को कानून की बातें बताकर डरा दिया। ओह, यू आर माय बेस्ट बेबी, लव यू। अब मुझे मेरा प्राइस चाहिए, दो। सोबिन, तुम बहुत अच्छी हो। लव यू सोबिन।
फिर लिसा और वी को मैडम रोजी अपने घर बुलाते हैं। हाय मॉम, कैसे हैं आप? सुनो, पहली बात तो मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ और अच्छी हूँ मैं। नमस्ते आंटी, सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई। इट्स ओके बेटा, बैठो। आंटी, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी थी। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब